मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भीमकुंड में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रिजु शंकर चौरसिया, जो कानपुर से अपनी फैमिली के साथ भीमकुंड नए साल के मौके पर आए हुए थे, भीमकुंड में नहाते वक्त रिजु शंकर की डूबने से मौत हो गई एवं साथ में एक व्यक्ति और डूब रहा था जिसका नाम सत्यम चौरसिया है, तो साथ वालों ने उसे बचा लिया एवं रिजु शंकर को बचाने में नाकाम रहे। जैसे ही बाजना पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई तो तत्काल भीमकुंड पर थाना प्रभारी बाजना मनोज घोयल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे एवं एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? अमन नाम है। कहाँ से आए थे आप? बांदा। और ये क्या घटना हो चुकी है अभी? कुछ लोग अयोध्या से थे और ये हमारे जीजा है कानपुर से, तो उनको ये घूमने आए हुए थे, वो नहा रहे थे, नहाते समय क्या साले उनके वो भी नहा रहे थे, उनका अचानक से हाथ छूट गया, तो उनको भी बचाने के चक्कर में अपने को बीच में आ गए और उनको तैरना आता था लेकिन वो पता नहीं। कितने बजे की घटना है ये? 12:30 बजे के करीब।